Realme GT Neo इंडिया में लॉन्च हो सकता है दोस्तों बहुत ही जल्दी। दोस्तों Realme अप्रैल के महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो गए जिसमें Realme 8 का 5G वेरिएंट भी आएगा, Realme GT, Realme GT Neo और Realme 8i भी इंडिया में लॉन्च होगा और Realme Narzo 30 भी अप्रैल के महीने में लॉन्च होने वाला है। तो इतने सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं अप्रैल के महीने में। तो Realme GT Neo की क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन होगी और क्या प्राइस के साथ और कब इंडिया में लॉन्च होगा, सभी डिटेल्स मैं आपको आज का वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए जिसमें मैं आपको Realme GT Neo की फुल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं VNTech, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, बाद में इसके प्राइस लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करें, 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन 90 हर्ट्ज की पैनल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन भी होगी, मतलब डिस्प्ले जो ओवरऑल निकल कर आ रही है वो तो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, आपको इस वाले स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 5G प्रोसेसर है दोस्तों, 6 नैनोमीटर पर बेस्ड होने वाला है। दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको मान लीजिए 77 वाला GPU देखने को मिल जाएगा, मतलब जो परफॉर्मेंस ओवरऑल निकल कर आएगी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आपको इधर UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा, LPDDR5 की रैम भी देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल जो दोस्तों डिटेल्स आई है अच्छी खासी आपको मिल जाती है। बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, इस वाले स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, ऐसे तीन कैमरा होगा। और दोस्तों 4K 60fps तक आप इसमें वीडियो शूटिंग कर सकते हो। और दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल सिंगल सेल्फी भी मिल जाती है जिसमें भी आप फुल HD वीडियो शूटिंग कर सकते हो। ओवरऑल जो दोस्तों इसका कैमरा निकल कर आ रहा है अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी और चार्जर के बारे में, 4500 mAh की बैटरी होगी और 30W का फास्ट चार्जर बॉक्स में आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, मतलब बैटरी कैपेसिटी चार्जर जो निकल कर आ रहा है वो तो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये थी ओवरऑल मेन स्पेसिफिकेशन। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, Realme UI 2 जो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों और ये थी सब मेन स्पेसिफिकेशन जो निकल कर आ रही है Realme GT Neo के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस और कब इंडिया में लॉन्च होगा उसके बारे में। दोस्तों देखिए चाइना में इसके बहुत ही अग्रेसिव प्राइस निकल कर आ रही है। इसका जो बेस वेरियंट होगा 6GB रैम 120GB स्टोरेज, उसकी प्राइस चाइना में 23,000 के आसपास निकल कर आ रही है। अगर इसी प्राइस में अगर 25,000 तक भी इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो आपको वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है Realme GT Neo। और दोस्तों बात करते हैं कभी वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, मैंने आपको पहले ही बताया अप्रैल में आपको वाला स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने आपको Realme GT Neo की फुल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दी है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।